आदाब, नमस्कार। मैं आज आपको एक खासी लोक कथा सुना रहा हूं, जिसका उन्वान है सूरज ग्रहण। आइए सुनाता हूं आपको सूरज ग्रहण। आसाम के उत्तर में खासी पहाड़ियां हैं, यहां के लोग खासी कहलाते हैं। ये कबीला अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है। बहुत पुराने ज़माने में खासी जंगलों के करीब एक झोपड़ी में गरीब खासी रहता था। उसकी एक ही लड़की थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। उस लड़की का नाम कानाम रखा गया। उसकी माँ ने जब देखा कि उसकी बेटी इतनी खूबसूरत है, तो उसने अपने शौहर से कहा, मैं इसे सब लोगों से अलग रख कर पालूंगी, इसलिए कि अगर मेरी बेटी पर किसी की नज़र पड़ जाएगी तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं उसे गायब कर देगा। लेकिन कानाम का बाप इस बात के लिए तैयार ना था। उसने कहा, मैं ये बात पसंद नहीं करता, उसे उसी तरह रहना चाहिए जैसे और दूसरी लड़कियां रहती हैं। माँ मजबूर हो गई और कानाम सबके साथ रहने लगी। उसकी माँ ने शुरू ही से उससे काम करना सिखाया था, ताकि वो काम में उसकी मदद किया करे। एक दिन कानाम कुएं से पानी भरने गई, वहाँ उसे एक शेर पकड़ कर ले गया। कानाम समझने लगी कि बस अब ये शेर उसे खा लेगा। उस शेर का नाम योखला था। शेर ने बच्ची को अपनी गुफा में रख दिया। उसने सोचा, अगर मैंने इसे अभी खा लिया तो इससे मेरा पेट भी नहीं भरेगा, इसलिए पहले से खूब मोटा करूं। वो लड़की के लिए रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए लाने लगा। लड़की बड़ी होती गई। इसी तरह दिन गुजर गए। कुछ वर्षों के बाद ये छोटी सी लड़की एक खूबसूरत जवान लड़की बन गई। योखला उसे देखकर सोचने लगा कि अब वो इसे खा सकता है। एक दिन योखला जंगल के तमाम शेरों के घर गया। उसने उन्हें अपने घर आकर खाने की दावत दी। उसने सोचा कि कानाम को खाकर सब शेर उससे खुश हो जाएंगे। वहाँ एक छोटा सा चूहा शेर की बात सुन रहा था। उसने जाकर यह बात कानाम से कह दी। कानाम बहुत परेशान हुई। उसकी समझ में ना आया कि अब क्या करें। चूहे ने उसे कहा, देखो यहाँ एक जादूगर रहता है, उसका नाम हुनरो है। वह एक बड़े मेंढक की शक्ल में रहता है, चलो उससे मदद मांगे। दोनों उस मेंढक के पास गए। मेंढक से सब हाल क्या कहा। उस मेंढक ने कहा, हाँ मैं जादू जानता हूँ, मगर इतना ही कि मैं तुम्हें सिर्फ मेंढक बना सकता हूँ। तुम अगर चाहो तो मेंढक बन जाओ, इस तरह तुम बच जाओगी और हमारे साथ रह सकोगी। काना को ख्याल आया कि वो मेंढक बन गई तो उसकी जान तो बच ही जाएगी, इसलिए वो खुद उसके लिए तैयार हो गई। यो हुनरो ने उसे जादू के जोर से मेंढक बना दिया। चूहे ने उसे देखा तो उसे कानाम पर बड़ा तरस आया। उसने सोचा कि जादूगर ने उसे बहुत बदसूरत मेंढक बनाया है, अब ये सारी जिंदगी उन्हीं में गुजारेगी। उसे इसको इन सब से भी बचाना था। चूहा उसे जंगल में ले गया। उसने कानाम से कहा, ये पेड़ जादू का है, तुम इस पर चढ़ जाओ, इस पेड़ से तुम आसमान पर चली जाओगी और फिर आराम से रहोगी। कानाम उस पेड़ पर चढ़ गई। उसने जैसे ही उसकी आखिरी टहनी पर पैर रखा, पेड़ बढ़ने लगा और इतना ऊंचा हुआ कि आसमान से जा लगा। कानाम आराम से आसमान पर पहुंच गई। वहां उसने देखा सब लोग बहुत खूबसूरत घरों में रहते हैं। वो जिस घर में जाती उसे निकाल दिया जाता। वो तो एक बदसूरत मेंढक के भेष में थी। एक दिन वो सूरज देवता के पास गई, उसे अपनी कहानी सुनाई। सूरज देवता ने उसे अपने साथ रहने की इजाज़त दी।
इधर जंगल में शेर की दावत पे उसके दोस्त दूसरे शेर आए, उन्होंने देखा कि वहाँ कानाम नहीं है, उन्होंने मिलकर उस शेर को मार डाला। कानाम सूरज देवता के साथ रहती रही। एक दिन वो घर में अकेली थी, उसने अपना लिबास उतार फेंका। सूरज देवता ने जो उसे देखा तो वो देखता ही रह गया। उसने फौरन मेंढक वाला लिबास लेकर जला दिया और उसे अपने घर में रख लिया और अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। जैसे ही मेंढक वाला लिबास जलाया गया, युहनरो को इस बात का पता चल गया। फिर तो वो सूरज देवता का दुश्मन हो गया, वो भी आसमान पर चढ़ गया और उसने सूरज देवता से सख्त लड़ाई कर लड़ी। जब आदमियों ने ज़मीन से ये लड़ाई देखी तो वो ढोल ताशा बजाने लगे और सूरज देवता के लिए दुआएं करने लगे। हज़ारों आदमियों ने सूरज देवता के लिए शोर मचाया। युहनरो जादू तो जानता था मगर था कमज़ोर दिल का। उसने जब ये शोर सुना तो पूरी तरह लड़ाई लड़ ना सका और सूरज देवता को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। सूरज देवता को मालूम भी ना हो सका कि युहनरो उस कैसे उसे छोड़कर भागा, लेकिन उसका दुश्मन बन गया। उसे जब कभी मौका मिलता वो उस पर हमला करता। जब युहनरो सूरज देवता पर हमला करता है तो सूरज के सामने युहनरो का जिस्म आ जाता है और ज़मीन पर उदासी फैल जाती है और दुनिया वाले उसे सूरज ग्रहण के ना कहते हैं, लेकिन आज भी खासी कबीले के लोग यही समझते हैं कि युहनरो ने सूरज देवता पर हमला किया है और सूरज देवता को बचाने के लिए वो ढोल बजाते हैं और सब इकट्ठे होकर शोर बचा बचा कर अपने देवता को बचाते हैं। ये थी एक खासी लोक कथा। फिर आऊँगा।